जनाब जनाब वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। आई होप आप जहां जहां भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं और खुश हैं। जनाब ब्यूटी की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की और ब्यूटिशियंस की हमेशा से डिमांड रही है, खास तौर पे खवातीन में। वैसे उनको सजने संवरने का शौक तो होता है, आजकल तो मर्दों को भी बहुत शौक है सजने संवरने का, लेकिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें आज तक और बल्कि बहुत पहले जापान में खवातीन अपने चेहरे पे राइस का जो पाउडर होता है वो लगा के सोया करती थी और वही लगा के दिन में भी रहा करती थी ताकि फेयर नजर आए। कितनी अजीब बात है यार। यूरोप में एक जमाने में खवातीन बीफ, सोचे स्टेक तो हमने सुनी थी, लेकिन बीफ चेहरे पे रख के सोती थी क्योंकि कहा यह जाता है कि उसकी वजह से चेहरे पे रिंकल्स नहीं आते। यानी जनाब आज भी ब्यूटिशियंस की बड़ी वैल्यू है। आज जो हमारी मेहमान हैं वो हैं तो एक्टर, यानी शी इज अ फेमस एक्ट्रेस बट एट द सेम टाइम शी इज अ मॉडल बट अ ब्यूटिशियन एज वेल। इसलिए हम जरा ब्यूटी की बात करें। उसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि पहला फैशन मैगजीन दुनिया में कहां निकला था? जनाब जर्मनी में निकला था। तो हमारे दूसरे जो जबरदस्त आइकॉनिक गेस्ट हैं वो हैं फैशन डिजाइनर। दोनों से मिलवाएंगे लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जी जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और दो एज ऑलवेज हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट लेजेंडरी हमारे साथ मौजूद हैं। एक शख्सियत इतनी इंप्रेसिव है कि आई थिंक वो पाकिस्तान में एक ही है। वैसे तो दोनों सुपर इंप्रेसिव हैं लेकिन कुछ लोग सेल्फ टॉट और बड़े जबरदस्त अपने स्किल में अमेजिंग ब्रिलियंट होते हैं और फ्रॉम द फर्स्ट डे वो ब्रिलियंट होते हैं और फिर बंदा इंसान हैरान होता है कि यार हाउ कम दे आर सो गुड इन देयर वर्क। आई मीन वो कहाँ से वो टैलेंट आता है, किस तरह से वो स्टैंड आउट करते हैं, किस तरह अपना नाम बनाते हैं। और दोनों ने ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत नाम बनाया। जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं आज, शी इज नॉट जस्ट एन एक्टर, शी इज अ मॉडल, शी इज अ सुपर मॉडल एंड देन शी इज अ ब्यूटिशियन एज वेल, शी इज अ डॉक्टर, डेंटिस्ट एंड गॉड नोज वॉट नॉट। लेकिन उनकी बहुत ज़बरदस्त स्पेशलिटी ये है कि वो हर चीज में कहीं ना कहीं आपको नजर जरूर आती। तो पहले हम बुलाएंगे आपकी हमारी बहुत प्यारी नादिया हुसैन। हेलो, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू नादिया। थैंक यू, गुड टू सी यू। लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू एज ऑलवेज। हैव अ सीट, हैव अ सीट। अच्छा, जो नादिया तो सुपर टैलेंटेड है और नादिया की और भी क्लेम टू फेम बड़ी चीज़ है। एक तो तेरा इंसान का कोई मॉडलिंग का करियर, वो भी लाइक क्लेम टू फेम हो सकता है, एक्टिंग की आपके कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई चीज़, लेकिन कुछ और वायरल चीज़ें होती हैं। ये नादिया कुछ ना कुछ हर वक्त चलता रहता है नादिया, ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। इज दिस डिलिबरेट और लाइक रैंडमली चीज़ें हो जाती हैं? रैंडमली हो जाती है। यार बड़ी क्या बात है यार। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बता चुका हूँ वो क्या कहते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ही सो अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग पर्सन ऑलवेज। जब मुलाकात होती है इतना लाइक यू नो हम्बल, इतना नाइस, एंड देन वट एवर ही डिज़ाइंस ही इज सो गुड एट इट। और मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया। व्हाट डू यू से नादिया? Yes, definitely one of my favorite personalities of so the you're fashion inviting industry. Him. Please welcome Deepak Parvani. Whoa!
I'm good. How are you? नहीं नहीं टीवी पे कर सकते हैं क्यों नहीं हाँ लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं आजकल यार कुछ पता नहीं है लोग क्या है नादिया कौन सी परवाह करती है लोगों की नादिया नादिया अच्छा जनाब एक तो वेलकम दोनों को एंड आई एम ग्लैड बिकॉज आई एम यूजुअली आई थिंक यू आर द फर्स्ट डिजाइनर इन दिस शो दैट आई एम इंटरव्यूइंग because you're so mashallah so good and your work is so brilliant and you've made a name you work and consistent the best part is ki he's so consistent kya kehte hain you have to be zabardast nadia ko introduce deepak ne karwaya ya ji nahi ji aisi koi kya matlab pehla shoot mara nadia ko bhagi bhagi nahi thi deepak ne mujhe bataya ki to bhagi bhagi gayi ki mujhe model pehla kiya tha lekin introduce nahi kiya tha us waqt tak I had done Shamail's show by that time अब वो कह रही है तो मान लो यार चलो ठीक है ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनका इंट्रोडक्शन ये था कि वो टीना सानी की नीस थी हाँ ठीक है ना अम्मी बड़ी कंजर्वेटिव ले आई बच्ची को कि मेरी बच्ची को मॉडलिंग करा दो मुझे कहीं नजर आ गई मैंने कहा मुझे इनके साथ शूट मॉडलिंग करा दो अच्छा एक चीज लेकिन जब नजर आ गई दीपक इस तरह तो हजारों लड़कियां आना चाहती फिल्म में व्हाई डिड यू चूज शी मस्ट हैव सम शी हैड द हाइट एंड शी हैड द फेस यार हां ये देखा ना नादिया यू डिजर्वड इट Yes. You deserve it. अच्छा फिर उसके बाद क्या वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है उसके बाद हमने शूट किया नादिया के साथ और Who was the photographer? टप्पू जवेरी okay. तो बीच पे गए शूट करने के लिए okay. और इनकी अम्मा ने बड़े स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कोई ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए कि जहां पर मैं आके आपको जूते शूते मारूं तो जब शूट हो रहा है क्रिएटिव शूट हो रहा है तो वो शूट हो गया हाँ. तो उसमें छोटा सा ड्रेस था जिसमें नादिया को हमने पहनाया और वो एक शॉट था वो ड्रेस का नहीं था वो शॉट एक होता ना एक फोटोग्राफर शॉट लेता है हाँ. उससे शॉट होता है कि आप वो प्रिंट कर ही देते हैं okay. तो मैंने टप्पू से कहा मैं टप्पू ना करो यार प्रिंट इस तस्वीर को ना करो हेरल्ड का कवर था हेरल्ड एनुअल का मेरे ख्याल में और टप्पू ने कहा कि नहीं यार शॉट बहुत प्यारा है और आर्टिस्टिक शॉट है हम प्रिंट कर देते हैं राइट कर दिया हमने और दो दिन के बाद की अम्मा आ गई दुकान पे मेरी फैंटी लगाने के लिए क्यों वो थोड़ा रिवील है या कोई मतलब छोटे कपड़े थे उसमें ओके और फिर देन नादिया बिकेम अ सुपरस्टार ओवरनाइट यार शी वाज नादिया हुसैन जबरदस्त है बिकॉज ऑफ दैट शूट देखो मल्टी टैलेंटेड औरत है राइट सब कुछ कर रही होती है ना ये अच्छा मैंने एक और देखा ये अब ज्यादा कुछ कर रही है यानी एक होता है कि आप बड़े अपने जब व्हेन यू आर इन योर टीन्स और व्हेन यू लाइक इन योर 20s अर्ली या लेट तो यू आर वेरी काम एंड यू आर लाइक लो प्रोफाइल लेकिन नादिया पिछले 5-7 सालों से आई हैव नोटिस कि शी इज डूइंग मोर व्हिच इज ब्रिलियंट इज दैट लाइक अगेन यू आर अ लिटिल लाइक थोड़ी फुर्सत हो गई है घर से बच्चे थोड़े से बड़े हो गए या वैसे एक सोच है कि अब ये करना है मुझे या एक्चुअली है यू राइट बच्चे जो हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब मेरा फोकस जो है नॉट फोकस आई वुड से आई एम फाइंडिंग मोर टाइम फॉर एक्टिंग पहले मैं एक्टिंग अगर कर रही थी तो वो यू नो छोटे छोटे स्टिंट्स में कर रही थी और छोटे छोटे रोल्स कर रही थी आई नेवर लेफ्ट इट एवर लेकिन अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो यू राइट यू नो कि दैट टाइम I can manage the time better, you know. फिर मुझे वो guilt भी नहीं होता कि हाय अल्लाह इतने छोटे बच्चे को मैं छोड़ आई, you know that kind of कहीं से भी नहीं है चार बच्चे हैं एक मियां है पांच बच्चों को तुमने पाला हुआ है यार कब तो नहीं वो नादिया का बच्चा नहीं है याद है वो लाइफ वो नादिया का बच्चा अच्छा ये क्या वैसे तो वो इतना क्रेजी वायरल हो कि ये मेरा बच्चा नहीं है बट उसका सवाल तो मासूम सा था लड़की का कि आप इनके लिए काम करती हैं नहीं मासूम सा थोड़ी था अच्छा वो पर्पसली यू थॉट कि क्या व्हाई डिड यू वांट टू से दिस आई मीन ही मस्ट बी डूइंग समथिंग फॉर यू मस्ट बी डूइंग समथिंग फॉर हिम ऑफ कोर्स देखो एसन इट द वन हैज टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट राइट उसका जो सवाल था वो ये था यू नो कि जी आप जो हैं वो अपने पता नहीं मियां के काम नाउ काम मेंट फॉर मी पर्सनली काम मेंट के जी पर्सनल काम के जी उसके जो है ना वो जूते पॉलिश कर दो यार ये तो कोई भी नहीं करता नहीं भाई करते हैं ऐसी वीडियोस आती हैं इतना कि मेरे जूते उतारो नहीं ना इस किस्म का ही कुछ सवाल था इनडायरेक्टली कुछ इस किस्म का सवाल था कि जी आप सवाल कर रही उसको पता नहीं था नादिया हुसैन से सवाल कर रही वही तो था ना यार कि फिर मेरा ये था कि भाई मैं मतलब मैं अपने बच्चे का जरूर हर कुछ करूंगी नहलाऊंगी भी उसको उसकी पट्टी भी साफ करूंगी सब कुछ करूंगी लेकिन वो मेरा बच्चा है ना लेकिन बस ओके हाँ सही है बिल्कुल ऑफ कोर्स पर्सनल काम का मतलब मकसद था लेकिन जाहिर है व्हेन देयर इज गिव एंड टेक then I'll be more than happy to go out of the way to do anything
I can bend over backwards for you for if you know, and especially also if there is a mutual respect, there is love, there is love understanding. Love and understanding, yes. Everything, you know. बिल्कुल सही. और पंगा ना लेना, मैं गलत टीका मार दूँगी. दीपक ने पहले अच्छा पहले की बात दीपक ने याद दिलाई है मुझे, ये दूसरी बात भी दीपक ने याद, तो मैं उस तरफ आऊंगा. नादिया जो बात है, I'm fascinated. Okay, great. Because अब नादिया सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है, फेसबुक पे देखने को मिलती है, राइट? So there's so much happening with her life. You know, आज यहाँ आज वहाँ, आज मैं नया सैलून खोल रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज बच्चे बड़े हो गए, आज मैंने टीका लगा दिया, मैं उसको गालियां दे रही हूँ. I mean, that's so many things happening. जो अमेज़, आज मैं मेकअप में लड़ाई कर रही हूँ. हाँ, ये सब कुछ याद चलता है. यार, इसमें सब कुछ याद है, चार पांच चीजें याद दिला. गुड गुड, आई विल कम बैक टू यू नादिया. अच्छा दीपक, हाउ जर्नी एज अ डिजाइनर कैसे शुरू हुई, और फिर नाम माशाल्लाह, मतलब यू इस मार्केट में स्टैंडिंग आउट एंड यू नो लाइक पीपल रियली लाइकिंग योर वर्क एंड गोइंग क्रेजी ओवर योर वर्क, तो ये किस तरह शुरू हुआ सारा? 1994 की बात है, मैं न्यूयॉर्क से वापस आया था एंड आई वाज जस्ट बोर्ड, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. अच्छा. आई वाज डूइंग मर्चेंडाइजिंग और मेरा कोई मूड नहीं था कोई डिजाइनर शिजाइनर बनने का. ओके. अगर बेस्ट मैं एक एक्टर बन जाता या मैं एक मैं ऑलरेडी मेसीज और यू हैव एक्टेड आल्सो, आई वुड हैव एक्चुअली बिकम दैट आई थिंक नाउ. And by I call myself the accidental designer. Okay. और pocket money के लिए मैंने कुछ शर्टे बना के और ये दुकान पर भेज दी. मैंने कहा always had interest in fashion. और ये मैं 3-4 महीने के लिए वापस आया हूँ अमेरिका से, तो मैं ये कुछ कपड़े बना लेता हूँ. और वो शर्टें मैंने भेजी, वो 3 दिन में बिक गई 30 शर्टें. फिर मैंने भेजी, फिर 3 दिन में बिक गई 30 शर्टें. Wonderful. And suddenly it just became a profession. And you thought कि ये तो मैं बहुत. Which store was that? Collage. Very famous, yes. Very famous store. Yeah, collage. Yes. Achha, so you just you know you found out कि यार मैं तो ये लोग पसंद भी कर रहे हैं, मैं ये कर सकता हूँ. कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं उस जमाने में. जमाने में कुछ ना, कोई कपड़े नहीं थे, I mean जमजमा नहीं था. So अब इतने अभी उस जमाने में कुछ नहीं था, तो you're still there. इसका मतलब है कि अभी भी you're different and you stand out. लेकिन क्या अब बहुत अच्छे designers हैं इस वक्त? मेरे ख्याल में बहुत अच्छे designers हैं. I think जो 13-14 साल हमने मेहनत की है fashion weeks पे और retail पे, और हमने जो डिज़ाइनर ब्रांड्स को अलाउ किया है कि यू नो एक मार्केट बने, तो उस हिसाब से रिटेल इज थ्राइविंग. तुम खुद देख लो, मॉल्स खुल गए, मॉल्स के ऊपर मॉल्स. हमारे ज़माने में तो मॉल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. बिल्कुल. दुकानें ही होती थी खाली, वही बहुत बड़ी बात थी कि दुकानों पर चले गए शॉपिंग करने के लिए. कोई लाल कमीज ही पहनता था, अब तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए सब ने. तो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं. इतना रंग बिरंगा तो नहीं है, सोफे की बात कर रहा हूं यार, तो की बात कर रहे हो. रंग बिरंगे पे ना जाना. अच्छा, वन मोर थिंग, अ वेरी लाइक यू नो पाकिस्तान में एक काम जो लोग जिसको नहीं ज्यादा जानते या वो काम नहीं हो रहा उसमें हाथ डाल देना, and then you standing out and being there, तो वो कोई कभी फील नहीं हुआ कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ या मैंने शुरू में या क्यों किया या क्यों कुछ इस तरह से कभी? मैं समझता हूँ, मुझे अभी भी याद है जब हमने पहला फैशन वीक किया था, तो डिज़ाइनर ने बड़ी अच्छी बात की. शी सेड, व्हाई वी क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन फॉर ourselves? सो आई सेड, वी आर नॉट क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन, वी आर क्रिएटिंग एन इंडस्ट्री फॉर द फ्यूचर. राइट, व्हिच इज देयर नाउ. एंड व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. उस जमाने में टेक्सटाइल डिजाइनर्स को जॉब नहीं मिलती थी, फोटोशॉप वालों को जॉब नहीं मिलती थी, जो प्रिंट्स बनाते थे बेचारे उनको जॉब कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा ना, ब्लॉक प्रिंट वालों को. मतलब जो आपकी जो नीचे की जो इंडस्ट्री थी जो एक्चुअली काम करती थी, उनके पास जॉब्स नहीं होती नहीं होते थे. सो इट स्टार्टेड अ जॉब क्रिएशन मूवमेंट. आज अगर हम देखते हैं तो 100% जॉब्स हैं. आप इंडस वैली से बच्चे निकलते हैं, पाकिस्तान से फैशन डिजाइन से निकलते हैं, TIP से निकलते हैं, किसी भी AIFD से निकलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, एंड इज 100% एम्प्लॉयमेंट. राइट. अच्छा, एक चीज़ क्यों कहते हैं कि डिज़ाइनर कपड़े जो है, ज़ाहिर वो एक्सक्लूसिव भी होते हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बहुत महंगे होते हैं, आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता. नहीं, ये देखो, ये एक फैलेसी है. अच्छा, ये मैं सुन के थक गया हूँ. हर किसी की अपनी अपनी मार्केट होती है. बहुत डिजाइनर्स जो ये नहीं यार, दीपक के कपड़े को लेने जाए तो सस्ता तो नहीं होता ना. टेल मी ना, बी ऑनेस्ट, कोई सस्ता तो कभी भी सस्ता नहीं था यार. आज भी महंगा ही बिकता है. किसी के बाल खत्म हो गए तो क्या बड़ी बात है. अच्छा, दीपक के कपड़े बोला. अच्छा, एक चीज, यू हैव टू नेम अ फ्यू डिजाइनर्स जो फेवरेट हैं और जो आपसे भी पहले मार्केट में अपनी नीश कुछ बना रहे थे या बना चुके हैं. मुझसे पहले, बिफोर आई एंटर, साना सफीनाज वाज देयर, अमीर अदनान वाज देयर, रिजवान बेग वाज देयर, माइन खान, बंटो काजमी, नीलोफर शाहिद, दैट्स इट, वसीम खान फ्रॉम लाहौर, बस दैट्स इट. एंड देन आई केम इन 1993, देन सोनिया बाटला केम इन 1995,
ये हमारा एक साइकिल है. एंड देन 2000 का बैच आया, PIFD का पहला बैच था. रिजवान बेग भी काफी हमसे पहले, ठीक है, आप लोग उसमें निशमाइल मुझसे पहले थी, ठीक है, फायजा समी मुझसे पहले थी, उसके बाद आया शेरू, कामी, नोमी अंसारी, मारिया बी, ये एक बैच था, उस्मान दत्तू, ये पांच छह ग्रेजुएट्स नेम्स. छोटे कपड़े थे और उसमें शॉर्ट हो गया, या एक दो जगह पे आई रिमेम्बर कोई पिक्चर्स ऐसी आई हैं जहाँ पे बिल्कुल टांग नजर आ रही है कुछ, तो वर्न्ट यू थिंकिंग के कभी ऐसा आया नहीं कि ये ना करें या लोगों का एक बैकलैश आएगा या हम पाकिस्तान में? जो मुझे कभी भी जो है ना, मैंने विलिंगली इस किस्म के कपड़े नहीं पहने, लेकिन कई दफा जैसे कि आर डियर फ्रेंड हियर होता है ना, कई दफा आपको जो है ना कोई नज कर रहा होता है, आई थिंक वो जमाना दूसरा था. ये तो क्रिएटिव एस्पेक्ट था उस जमाने में, बिकॉज कपड़े थे नहीं. प्लस आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ एजी क्लोथ्स. एक मूव, तुम कह लो कि मूवमेंट थी वो फैशन में. अच्छा, ठीक है. एंड एवरीबडी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. एवरीबडी वॉन्ट टू एंजॉय दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स, दैट काइंड ऑफ सिलुएट. उस जमाने में ये सोशल मीडिया टाइप तकियानूसी नहीं थी, बुलशिट नहीं थी कि हर चीज के ऊपर लोग कमेंट करना शुरू करते हैं. एक मॉरल, एक होलियर देन थाउ मॉरल इशू बना देते हैं जैसे इंटरनेट के ऊपर. उस जमाना नहीं था. मैं कहूंगा इट वॉज मोर आर्ट एंड फैशन के वो कपड़े, लेट्स पुट इट दैट वे. और जैसे टाइम गुजरा, अब अगर हम देखते हैं, और मैं अपने बारे में ये बात कहूंगा, आई मीन 30 इयर्स डाउन द लाइन आई शुड बी मेकिंग द इवन मोर प्रोग्रेसिव क्लोथ्स देन व्हाट आई वाज मेकिंग. 30 इयर्स डाउन द लाइन आई मेक एवरीथिंग फुल स्लीव्स. Yeah. Okay. Everything full sleeves. And for a specific reason? Because that's all that sells. Okay. 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 And 1994, we used to sell Western kind. Only Western. Only Western. So the market is not progressed. The market is regressed. You think so? Or maybe I feel कि जो लोग designer wear पहनना चाहते हैं वो हमारे Eastern बहुत पसंद करते हैं, और जब उनको Western कपड़े चाहिए तो वो बाहर से लेके आ जाते हैं. We still sell a lot of Western clothes. वो issue नहीं है. अच्छा. वो issue नहीं है. तब बाहर जाना. हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ fusion ज़्यादा बिकता है बनस्बतन total Western. Okay. Total Western आपको सिर्फ maybe New Year पे नजर आ जाएगा या Valentine पे नजर आ जाएगा, उस type की occasions पे नजर. So who's been your favorite model? Be honest. Not that she's sitting here, be honest. No, Nadia also, one of the models. But Nadia, Nadia, somebody, Nadia also. Bibi, Amna Haq, okay. Alia Zaidi. Okay. Actually, the old lot. I think more of the old lot. The more purana jo... Nayi ladkiyon mein se kaun bahut achhi lagti hai, ke jo bahut achhe kapde pehen ke wo carry karti hai? Mushk is very good in the new lot. Mehreen Sayyed was very good apne zamane mein. Vinny was very good in our time. So, har generation mein koi na koi... एक स्टार आता ही है. ठीक है ना. मुश्क इज अभी की, मुश्क इज द न्यू इन द फ्रॉम द न्यू लॉट. हु डू यू रियली अपने एरा में और अभी की लड़कियों में कौन बहुत अच्छी है? मेरे एरा में वही, आई थिंक दैट यू नो लाइक मेरे से पहले जो एरा था उसके अंदर देयर वाज बीबी, देयर वाज आलिया जैदी, यू नो लाइक दीस वर ऑल द गर्ल्स, सोनिया मेहनाज वगैरह थी मेरे साथ. हाँ, मेरे इरज मेरे साथ उसने बहुत काम किया. इरज, विनी, ZQ, तानिया शफी, देन ज़ुएला फॉर अ वाइल. ब्यूटीफुल गर्ल्स, हां, ब्यूटीफुल गर्ल्स. या एंड टॉल एंड एजुकेटेड, यू नो, दैट वाज द बेस्ट थिंग एक्चुअली. एवरीबॉडी, आई वुड से 70-80% ऑफ देम वर फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड्स, एंड यू नो लाइक, एंड दे वर, आई मीन, सबका एक एस्पिरेशन थी, यू नो, एंड इट वॉज रियली वंडरफुल. आई मीन, हमेशा मुझे, यू नो, लाइक वो वाला जो लॉट, आई वुड से दैट वॉज रियली द बेस्ट टाइम. उसके बाद अब की जो मॉडल्स आई या उसके बीच में जो आई, वो उस तरह से, बिकॉज पता है क्या हुआ, हर किस्म की लड़की जो है वो आ गई, और किसी को कोई, ये काउंसिल वाले भी जो हैं, इनको कोई होश नहीं थी, उनको कोई परवाह नहीं थी कि जी वो लड़कियां जो हैं वो एजुकेटेड है नहीं है, उनकी हाइट है नहीं है, ये है वो, नथिंग. देयर वाज नो क्राइटेरिया. ओनली क्राइटेरिया वाज इजाजत मिल जाए बस. तुम्हें मॉडलिंग की इजाजत है, अच्छा ठीक है, आ जाओ. चालीस मॉडल्स आप कहाँ से लाएंगे? जब हमारे वक्त में एक शो में मुश्किल से हम लोग जमा करते थे 20 लड़कियां. When we used to have solo shows, there were only 20 girls. Where are you going to get more girls from then?
You know, so जाहिर है that बड़ी गलत बात है क्वालिटी क्वालिटी सब बड़ी गलत बात कोई बात नहीं तो क्वालिटी लंदन से मंगवाई तुम लोग खुश नहीं हो दुबई से आई तुम लोग खुश नहीं हो लालू खेत से आई तुम लोग खुश नहीं हो हर जगह से मॉडल मंगवाई क्वालिटी सफर वो हर जगह से दुबई से तो फॉरेन मॉडल्स आई ना फॉरेन मॉडल्स भी तो आई तो मैं पाकिस्तानी मॉडल्स की बात नहीं होंगी तो क्या कर सकता है वही तो मैं कह रही हूँ ना नहीं थी ना तो वो जो थी वो उनका कोई क्राइटेरिया थोड़ी वो लालू खेत से आई तो क्या हुआ इंसान नहीं है वो क्या नहीं लालू खेत की मैं बात ही नहीं कर रही आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्राइटेरिया आई एम टॉकिंग about the educated He's just pulling your leg, you know. I'm just saying that you know they were not educated they didn't have a personality they didn't have class they didn't have a personality very few of them outshone even in today's time you can only name one Mushk yaar who else ठीक है ओके फाइन बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस माहौल में आप होते हैं जिस मुल्क में आप होते हैं जिस जगह पे आप होते हैं जो लोग देखना चाहते हैं आपको अगर वहां के आप स्टार हैं तो थोड़ा सा उसका ख्याल भी रखना चाहिए दैट्स माय पर्सनल चीज है वो मॉरल ब्रिगेड है यार ऐसा दैट्स अ मॉरल ब्रिगेड दैट्स अ मॉरल ब्रिगेड नाउ इफ आई वांट टू बी इन दैट सत्य अब उन्होंने दुनिया नहीं देखी तो हमारा क्या कसूर है यार Exactly. Okay. उन्होंने दुनिया नहीं देखी ठीक है अपने घरों में बैठे कंप्यूटर्स में बैठे उन्होंने दुनिया देखी है जब दुनिया में जाओ दुनिया देखो फिर क्या कहते हैं जज करो इंसान को ठीक है कि वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है फैशन एंड रिलीजन सेपरेट राइट ओके जी एक ब्रेक छोटा सा लेंगे हमारे साथ रही ब्रेक के बाद आएंगे दोनों से और बातें करेंगे मजे मजे की देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और नादिया और दीपक ये जो हमारा ये शॉकर है इसको जरा पकड़ के रखना आपने नादिया क्योंकि यू हैव टू कीप होल्डिंग इट बट आई फील कि दोनों एक दूसरे को इतना जानते हो कि कोई ऐसी बात का जवाब उल्टा नहीं होगा कि शॉकर लगाना पड़ेगा एक दूसरे को लेकिन अगर कहीं पे लगा कि दूसरा आपके लिए गलत जवाब दे रहा है तो फिर शॉकर जरूर लगाना है ठीक है बहुत इसमें हल्का सा लगता है हल्का सा लगता है बहुत हल्का बिल्कुल हल्का पहला सवाल दीपक से है दीपक से नादिया के लिए जब कोई मुझसे यानी जब कोई नादिया से उलझता है तो मैं उसका ये हाल करती हूं कम ऑन दीपक टेल मी इंस्टाग्राम आप लोग देख लें आपको पता चल जाएगा नादिया क्या हाल करती है लोगों का यार वो तो दूर बैठे होते हैं सिर्फ बात हो सकती है अगर सोचो कोई सामने बैठो तो नादिया नहीं गालियां शालियां सब कुछ होता है सिर्फ देखो उसे इंस्टाग्राम तो नादिया का तो पता चल जाएगा यार वो एक ही दफा किया था नादिया ने बहुत दफा किया था जब मेकअप करी होती है ना ये तो सामने जो कॉमेंट्स आ रहे होते हैं नीचे तो मेकअप करी होती है ट्यूटोरियल दे रही होती है और फिर गालियां भी दे रही होती है सेम टाइम मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग यू कैन आल्सो इग्नोर देम यार आई कैन बट यू नो यू वांट टू आई डोंट वांट टू इट वाज सो फनी मैंने जो है वो लोगों को साइडें भी मारी है मैंने थप्पड़ भी मारे नहीं यार मैंने हां यानी कोई कुछ करके कह के जा नहीं सकता कहीं पे मजाल है किसी की ऐसी की तैसी हो जाती है उसकी गलत काम पे नहीं हाँ तो जाहिर है जब अच्छा ये तो लेकिन आप ट्रोलिंग या ये चीज तो बहुत ऑर्डिनरी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना टॉक्सिक हो जाता है कि आप हर एक को आगे से उसको बोलते ही जाओ यानी यू शुड इग्नोर दिस अच्छा पता है क्या था एक्चुअली एसन एट दैट टाइम इट वाज गोइंग लाइव वाज वेरी वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ अस ठीक है so I didn't really know at that time you were so funny. के comments को off भी कर सकते हैं वो comments off करने वाला चीज मुझे बाद में पता लगी आप जो है वो मैं comments off कर देती हूँ आप मुझे देख सकते हैं लेकिन मुझे कुछ बोल नहीं सकते और वो video अच्छा the funniest I mean it's one of the funniest video कि एक लड़की जो है वो तैयार भी हो रही है मेकअप कर रही है और कह रही तू तेरी माँ तेरा बाप ये नहीं बात बिलीवेबल बात है इट वाज प्रीटी गुड वेरी फनी इट वाज प्रीटी गुड आई थॉट इट वाज हिलेरियस इट वाज समथिंग सो डिफरेंट नादिया वी लव्ड इट अच्छा जी मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस लड़की के मॉडलिंग छोड़ने पे हुआ दीपक को किस पे अफसोस हुआ मॉडलिंग छोड़ने पे I think Faizan Sari, I don't know. Faizan Sari तो खुद अपने आप को छोड़ के चली गई मॉडलिंग का तो फिर इसको दबाओ यार अबे ओके गुड थैंक यू अच्छा ठीक है फिर किसको हुआ किससे किसको छोड़ने से हुआ I think Amna Haq more than anybody else. Okay. She was such a superb model. Yeah. Yeah, and she was beautiful girl. Beautiful girl. Yeah. Amna Haq. ठीक है वो मॉडल
जो नादिया की हमेशा दोस्त नहीं रही. यू टेल, हमेशा नादिया की दोस्त नहीं रही. टेल, और वाली कोई होगी है ना. कौन थी? Nobody. बता दो यार, शॉक मार दूंगा. कौन? इट्स एन आंसर फॉर यू. ZQ? नो. ZQ वाज टू डोसाइल. I can't think. Nadia was friends with everybody. मैं सबकी दोस्त हूँ. तो कोई ऐसी मॉडल नहीं थी. Really? Yeah. देखो, मॉडलिंग भी पॉलिटिशियन टाइप की एक फील्ड है कि सब सबको खुश रखो, सबको साथ ठीक. हाँ, ये अच्छी बात है दीपक ने. हाँ, नादिया कह रही, हाँ, she agrees. ठीक है. Worst dressing sense in the industry according to Deepak. नाम तो नहीं ले सकता मैं. Worst dressing sense according to Deepak, okay. In the industry. Yeah. Some lady that doesn't wear great clothes. So it's okay. I mean, not necessarily a lady, it could be a guy. Oh, it could be a guy, of course. There's so many. मतलब हम लोग भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहन के फिर रहे हैं. Yeah, yeah. According to Deepak, मैंने कभी कहा था, वो इंडस्ट्री में नहीं है. मैंने कहा था, you wear the worst pair of jeans ever. वो इंडस्ट्री में नहीं है. लेकिन नादी को बताने दो यार. नादी बता दो. क्या होगा? ज़्यादा गलत जवाब दे देगी. अच्छा, को फिर कुछ. Think of someone who's a really bad fashion sense. उसका नाम ले दो. मैं नहीं बजाऊंगा. No, somebody who has. Trying to think. Okay. I don't know. Come on, Nadia. सारा खाना खाई में ले यार. हर कोई तो अच्छे कपड़े नहीं. आई मीन, आपको किसी हर एक के कपड़े तो नहीं अच्छे लगते, या आपको किसी के कपड़े तो बुरे लगते हैं? अकॉर्डिंग टू दीपक ना. yeah. ऐसी एक अकॉर्डिंग टू वीतर, मुझे सबके कपड़े बुरे लगते हैं. वाला बात है. क्योंकि जिस से मेरे कपड़े पहने वो सब बुरे हैं. नहीं नहीं, ऐसी बात है. ओके, फिर कम ऑन. जो इंडस्ट्री से चला गया, कनाडा चला गया होगा, उसको किसी का नाम ले लो. I think according to, okay, let me add some masala in this. According to Deepak, the worst dressing sense was maybe Ammar Bilal. Current maar do mujhe. Nahi, main current nahi maarta. Chalo, done. Acha. Jaane do sawal ko yaar. Sach, yani ke sach bola usne. Nahi yaar, Ammar Bilal shehar mein hi nahi hai, New York mein rehta hai. Sahi hai. Wahan se to nahi maarega main aake yahan. To main to chah rahi thi ki tum current maaro. Chalo, maar do current yaar. Ay Allah. Because galat. To yani ke galat bola hai. Galat bola. Haan. To phir sach kya hai? Ammar Bilal has a very good. Aise Ammar to achhe kapde pehnta tha. मुझे इतना याद है, लेकिन उसका एक स्टोर भी होता था लाहौर में, वेरी फेमस. अमार बिलाल. अच्छा, फिर मैं नहीं जवाब दे रहा. ये वाले नहीं जवाब देना. चलो ठीक है, हो गया यार. अमार बिलाल हो गया, ज्यादा हो गया. हसन खान ही कह दो अगर अमार बिलाल नहीं कह. हाँ, मैं ठीक है यार, मैं यहाँ पे दोनों को लगाऊंगा फिर करंट. ठीक है जी. ज्यादातर मर्द हजरात इस बात पे गुस्सा होते हैं. नादिया ये सोचती है कि ज्यादातर मर्द जो होते हैं वो इस बात पे गुस्सा होते हैं. यू टेल ना. According to Nadia, ज़्यादातर मर्द हम इस बात पे गुस्सा होते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, जबकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ. How's that? हाँ, that's good. Okay. That's very good. Thank you. Yes. Compliment to Nadia. Yes. You think Nadia लगता है बहुत से लोगों को कि यार ये औरत है, ये कहाँ कर पाएगी, ये लड़की है, ये कर पाएगी ना? ये बड़ा एक है हमारे यहाँ इशू है. मैं इस पर कॉमेंट कहूँ. हाँ. मैं समझता हूँ कि एक औरत जो है ना, वो सब कुछ कर सकती है. मैं समझता हूँ कि औरत जितनी हार्ड वर्किंग होती है, ओके, और जितनी सॉर्टेड होती है, मर्द तो उसके माल में कुछ नहीं. डिटरमाइंड और फोकस, सही बोल रहे हैं, ही इज राइट. और औरत को चांस तो आज के जमाने में अगर बाहर हम देखते हैं तो सारे CEOs ऑफ कंपनीज, बिग फाइव फॉर्च्यून कंपनीज, पेप्सी को ले लो, सो मेनी कंपनीज इन द वर्ल्ड, दे आर ऑल वुमेन. ठीक है. मुझे उन लोगों के फोन नहीं उठाने जो जो मेरे से मॉडलिंग की फेवर्स चाहते हैं. सही है, गुड वन. शी इज राइट. गुड, सही है. ठीक है, ठीक है. यहाँ जो खाली मुझे सैटरडे और फ्राइडे नाइट को फोन करते हो कि पार्टी कहाँ हो रही है, पार्टी कहाँ हो रही है, हमें भी आना है. मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है. दीपक. नहीं, इसकी अपनी मेहनत है यार, अपनी मेहनत है. सही है, ठीक है, ठीक है. शादीशुदा मॉडल्स को मैं ये टिप दूंगी. शी हैज टू गिव अ टिप, बट यू हैव टू टेल अस व्हाट टिप वुड शी गिव. कि लाइफ बैलेंस में रखो,
बच्चे भी पैदा करो दर्जनों के हिसाब से और मेकअप की लाइन भी साथ ही साथ निकालो। ना ना ये नहीं, ये नहीं, मैं मेकअप की लाइन नहीं, कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा नादिया के ऊपर, ठीक है, नादिया के ऊपर इल्जाम है कि नादिया ने इन जैसा मेकअप बनाया था। क्या ये सच है? हाँ सच है। एज इन वो ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। हाँ। मेरे ख्याल में तो मेकअप मेकअप है, हर कोई बना सकता है, और जैसे कपड़े कपड़े हर कोई कपड़े, बना सकता है। और मैं नादिया का मेकअप अभी देखा है, नादिया का मेकअप बहुत डिफरेंट है। Okay. तो हाँ एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, दैट्स अबाउट इट। या व्हाट वाज इट नादिया, व्हाट हैपेंड? आई मीन यू मेड द बॉक्स, आई मेड अ पैलेट, नो नो, आई मेड अ पैलेट व्हिच इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट of the another palette that is okay. made by another makeup artist and a stylist and you know Nabila ki and baat a mentor, kar rahe hain. Haan, okay, Nabila. Okay. So she's one. I mean, Nabila is so big and she's. But I was shocked myself, na, ki wo kya masla hua unko ki unhone mujhe ye message bheja, kyunki wo mazakiya message nahi tha, wo ek bada personal hit thi. और बस मतलब मैं खुद शॉक में चली गई थी कि क्या हो गया ये क्या पर्सनल हिट थी। बट व्हाट वुड यू डू अगर दीपक का एक जोड़ा है और उसी कॉपी फिर कहीं आ जाए बाजार में, तो क्या करेंगे? मैं इस पे नहीं कॉपी कॉपी नहीं था। अच्छा कॉपी, मैं इस पे एक बात करूंगा, मैं तुम लोगों से सवाल उससे पूछता हूं, ठीक है ना? आई वुड से कि कॉपिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, बिकॉज आप कॉपीराइट आपके पास है नहीं और आप कॉपी पे क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, आज हम सब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैना मार्केट जाते हैं या बैंकॉक जाते हैं, ठीक है ना, एडिडास की दुकान के बाहर एडिडास के जूते नहीं मिल रहे होते कॉपी, या पूमा की दुकान के बाहर पूमा के जूते नहीं मिल रहे होते, राइट? तो वो क्या, यू थिंक इट्स ओके? नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स ओके, आई एम सेइंग व्हाट कैन यू डू? Then you might just enjoy it, yeah. But it was not an exact copy, you see. If okay, it was different. Fine. I didn't see it because I don't know. Yeah, if it is something similar and there is no copyright, जो आपके पास उस आइटम का copyright है और आपने खुद भी जो है वो एक international brand का ही पैलेट कॉपी किया था, तो फिर इसमें क्या बड़ी बात है भाई? Okay. मतलब कि अगर एक जब एक मार्केट की डिमांड होती है ना, एक पैलेट है, एक मार्केट की डिमांड है, जब मैंने मेकअप शुरू किया तो लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड की इस चीज की कि जी आप भी जो है ना वो उसके अच्छा, सबका कुछ बनाए, तो मैंने उससे बढ़कर बेहतर चीज बना दी, उससे सस्ती। जी हाँ, बिल्कुल बेहतर है। ये कौन डिसाइड करेगा बेहतर है? उसने चार चीजें डाली हैं, ऐसे 12 चीजें डाल दी हैं। एग्जैक्टली, और सस्ती है, और सस्ती है, और इट्स मच चीपर। कोई बात नहीं, चलो अब चाय पीते हैं, चलो। ठीक है, वही ना, मैं वही कह रही हूँ, मिट्टी पा भाई, मिट्टी पा। जैसे एक बड़ी पुरानी मशहूर बात है इस पे, वो हम लक्स की जूरी कर रहे थे, तो दो डिजाइनर्स के जोड़े बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकले। हाँ, तो मुझे भी याद है, आई थिंक बंटू आपा बैठी हुई थी या फायजा समी, तो उन दोनों में से मैंने कहा, फायजा आपा क्या ख्याल है? जैसे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी कारीगर मिल जाते हैं। ये भी है, ये भी बात सही है। ठीक है जी, इंडस्ट्री में मेरी इससे लड़ाई हुई थी, नो योर इस दीपक की लड़ाई हुई थी, एंड योर टेलिंग अस हुई थी। ओए होए, बहुत से लोगों से लड़ाई हुई यार। ही डजंट लुक लाइक द सॉर्ट, दीपक यू डोंट लुक लाइक, ही डजंट लुक लाइक द सॉर्ट। मैं कभी लड़ाई नहीं करता। मुझे याद है बैक स्टेज ना, मेरे पास किसी ने मुझे इतने गंदे कपड़े दे दिए एक दफा, मैं बताता हूँ, और मुझे स्टेज पे जाना था, और क्योंकि मैं दो दिन से उस डिजाइनर को बोला था कि आई वांट, मुझे ट्रायल करना है। जब मैंने बैक स्टेज परफॉर्मेंस से पहले कपड़े देखे तो वो इतने खौफनाक थे कि मेरा दिल था। एंड देन आई आस्क्ड, मैंने दीपक की पगड़ी ली, एक पटका लिया, मैंने कहा यार थोड़ा सेव कर दो मुझे। मैंने सेट कर दिया, तो उसी वक्त सेट कर दिया। सो मुझे तो याद है, मुझे नहीं लगता, लेकिन ये नहीं पता कि उसके अलावा लड़ाई थोड़ी बहुत हो भी जाती होगी। नहीं नहीं, दीपक की हुई है, काफी हुई है। नाम ले दो, हाँ ले दो, जिसके साथ कहना चाह रही है। याद ही तो नहीं ना, कितने सारे लोग हैं। देख रहा हूं मैं, सब बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, अच्छा नहीं, नाम नहीं याद, लेकिन हुई है। मेरी लड़ाई हमेशा क्या, कभी लड़ाई नहीं होती, मैं सिर्फ हमेशा हक वाली बात करता हूं। लड़ाई हुई ना, खैर वो लड़ाई हुई थी। नहीं याद आ गया, नादिया की याद आ गया। क्या नादिया, क्या एक वो वैसे तो खैर एक कमेंट था, वो लड़ाई कोई ऐसे पर्सनल कोई लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन आई डोंट नो, वो सेटिंग हो गई हमारी, हो गई है सेटिंग। हां, आई थी मिठाई खाने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है यार, मुझे क्यों नहीं पता? कुछ नहीं यार, आई हो जाता है। ओके ठीक है, फैशन के बारे में मैं इनका कमेंट, फैशन के बारे में इनका कमेंट मुझे कभी समझ नहीं आता। फैशन के बारे में नादिया का कमेंट मुझे कभी समझ नहीं आता। कि सवाल किसके लिए है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, यू हैव टू रिप्लाई फॉर, यू हैव टू रिप्लाई फैशन के बारे में इनका कमेंट। अगर दीपक को ये कमेंट करे फैशन के बारे में, दीपक कहता यार ये देखो, हुज
अच्छा मैं नाम ले ही लेती हूँ ना फिर आमना हैदर ज़ानी में अखाल नहीं वो तो पिछले बच्चे के झूठ है मुझे फिर करण मार दो ना यार वो तो पिछले वाले क्वेश्चन की बात करण था तो मैं अगले सवाल का भी वही जवाब दे रही हूँ ठीक है अच्छा सही कह क्यों रीजन कुछ नहीं था ऐसी कोई बात नहीं थी मैंने एक कमेंट मैं एक इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने एक कमेंट मार दिया था ओके ओके और वो कोई बट अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन वो सवाल उसने किया है कि इन एक्स पर्सन के बारे के फैशन कमेंट आपको पसंद नहीं आपको पसंद नहीं है तो मैंने पहले का भी वही जवाब दिया था सेकंड का भी वही जवाब दिया अच्छा अच्छा राइट खत्म आ गया चलो क्वेश्चन इज डिफरेंट ओके शी इज राइट शी इज राइट चलो शी इज राइट ठीक है अच्छा ओ इनकी फैशन सेंस बहुत अमेजिंग है इनकी फैशन सेंस बहुत अमेजिंग है यू से जो नादिया को लगती है कि इनकी फैशन सेंस बहुत अमेजिंग है इनकी फैशन सेंस वी कैन से माहिन्स फैशन सेंस इज अमेजिंग और रिजवान्स फैशन सेंस इज अमेजिंग ओके और या इज राइट ओके ठीक है मैं लोगों को कहती हूं कि मेरे क्लिनिक पे आओ और ये ट्रीटमेंट कराओ वो ट्रीटमेंट क्या है ये ज्यादातर किस ट्रीटमेंट के लिए सुइयां लगवाओ सुइयां इज दैट ट्रू नादिया यस ऑफ कोर्स बिल्कुल यार वो सुइयां लगाने से थोड़ा लोग डरते वरते नहीं घबराहट नहीं होती लोगों को क्या अब इजीली यंग लोग अब बहुत आसानी से बहुत खुशी खुशी लोग आते हैं यंगर लोग आते हैं किस एज ग्रुप के ज्यादा लोग आते हैं वैसे एक जनरल क्वेश्चन है हर किस्म के एज ग्रुप आती है एक्चुअली डिपेंडिंग कि उनको उनको मसला क्या है आई मीन उस बट जरूरी नहीं है कि हर एक को टीके लगे लेकिन क्या दूसरे को लगाने से पहले अपने चेहरे पे भी कुछ तजर्बे करती हो ऑफ कोर्स जाहिर है तजर्बा किए बगैर आप दूसरे पे कैसे कुछ भी नहीं हिल रहा यार हर चीज टाइट है यार हर चीज टाइट है ओके फाइन हमारे ओह गॉड हमारी ब्रेक का वक्त है जनाब अगली गेम की जानी पड़ेगी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान Welcome back to Time Out with Ehsan Khan और Deepak और Nadia हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद हैं और बहुत स्पाइसी जो विंग्स हैं वो भी सामने मौजूद हैं और अब ये स्पाइसी विंग्स एंजॉय करेंगे और साथ साथ मेरे सवालों का देंगे जवाब जनाब तीखा सच हमारा सेगमेंट है और इसमें तीखा सच इसलिए कि जो भी कभी आपने कोई स्टेटमेंट दी हो सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी या कभी किसी इंटरव्यू में तो वो हम उठाएंगे आपसे सवाल करेंगे आपको फूड एंजॉय करना है और जवाब देना लेकिन उस नादिया डाइट पे तो नहीं हो नहीं जनरली तो वो ये है कि ये इतने मजे का हो जाता है यार नादिया मतलब ये बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे नादिया की वो वीडियो आई थी ना तीखी सी तीखी वीडियो थी ना इतनी ज्यादा मिर्ची अबे हार्ट अटैक करवाओगे यार तुम नहीं नहीं मिर्चों से हार्ट अटैक नहीं होता वो थोड़ी बहुत अगले दिन थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती अदरवाइज हार्ट अटैक नहीं हो सकता हाँ दीपक सही अभी है? हमने क्या ये सॉसेस में भी डिप करना है यस ऑफ कोर्स ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था जो आपने साइन किया आपने पढ़ा नहीं था ये क्या है ये खाने भी है ये आपकी चॉइस है इफ यू लव हैविंग दैट यू कैन हैव इट इट्स रियली नाइस या प्लीज गो अहेड स्टार्ट शैल वी स्टार्ट दीपक से पहला सवाल करते हैं दीपक पहला सवाल ये है अगर हम शॉर्ट ड्रेसेस ना बनाएं स्टार्ट ईटिंग प्लीज अगर हम शॉर्ट ड्रेसेस ना बनाएं तो फिर कहां जाएंगे बहन जी जैसे कपड़े बना दिए बहन जी जैसे कपड़े कौन से होते हैं ये क्या है मतलब ये कहीं बोला था ये राइट मिर्ची देखो शॉर्ट ड्रेसेस ना होंगे तो फिल्में कैसे बनेंगी ठीक है ना अगर फिल्में नहीं बनेंगी तो स्टाइल कैसे आएगा अगर स्टाइल नहीं आएगा तो फिर लक्स पे तुम साले शलवार कमीज पहनते हुए नजर आओगे तो शॉर्ट ड्रेसेस तो बनाने पड़ेंगे अच्छा एक बात है जैसे यू सी सो आप बाहर का सिनेमा देखते हैं वो बगैर शॉर्ट ड्रेसेस के भी बनता है आई मीन कंटेंट के लिए शॉर्ट ड्रेसेस जरूरी नहीं आई मीन दैट्स योर चॉइस लेकिन अगर कंटेंट लाइक ईरानी मूवीज पाकिस्तान में शॉर्ट ड्रेसेस वैसे भी कोई नहीं पहनता ठीक है तो इसलिए कभी अगर बना दिया एक आदत तो मतलब यू वांट के लोगों को पहनने चाहिए या नहीं 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 मैं कहता हूँ जो खुशी से कंफर्टेबल हो वो पहनो शॉर्ट अलॉन्ग की बात ही नहीं है ओके जो आपको सूट करे यार तो फिर ये क्यों कहा था कि ड्रेसेस खाला जी वाले
नहीं मैंने नहीं कहा अच्छा ठीक है ना वो बचपन में बनाया था नादिया को बनाने के लिए राइट ओके फाइन फाइन एक्सक्यूज मी व्हाट डिड ही जस्ट से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हनी कौन सा बुड्ढा व्हाट डिड ही जस्ट से टीके लगवा लो यार दीपक का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मतलब क्लासिक है, मैंने नोटिस किया है कि बस कह जाता है बात। अच्छा जी, नादिया से सवाल ये है, लॉलीवुड की पुरानी मूवी का सीन शेयर किया और कहा कि आजकल की फिल्में आपको वल्गर लगती हैं, ये नहीं देखी किसी ने? हाँ। क्या था वो? वो एक बहुत ही वाहियात किस्म का डांस था। किसका पता नहीं, मुझे याद नहीं एक्टर्स का नाम, क्योंकि वो बस मैंने एक मुझे भी कहीं से आई थिंक फॉरवर्ड किसी ने किया था। अब मैं बताती हूँ किसने फॉरवर्ड किया था, मुझे याद आ गया। एक ग्रुप में मैं हूँ जिसके अंदर आसिमिया टिवाना, मारिया वास्ती, सुनीता एंड तूबा, हम सारे एक ग्रुप में है। वो मारिया वास्ती ने फॉरवर्ड किया उस ग्रुप में। सो वो जो डांस था वो मुझे, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये आजकल की फिल्मों में अगर ये हो जाए तो ये तो पता नहीं, ये हमारा मीडिया और हमारी आवाम फट जाएगी। लेकिन तो वो क्यों नहीं नजर आ रहा, और आजकल जो हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा ठीक है, और फिल्मों में तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा, आप उसको बड़े तरीके से हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल भाई क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेटेड सिनेमा। दैट आई हैव नेवर नोन अबाउट, हनी आई डोंट नो अबाउट दैट। यानी बड़ी मिर्ची है इसमें, मिर्ची अच्छा खा भी रहा है, देखो भाई क्या मजे से एंजॉय। अच्छा जी, ठीक है जी, सोशल मीडिया से इख्तलाफ है, क्यों? नहीं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है सोशल मीडिया। अच्छा, मैं समझता हूं कि लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है किसी को ना जाने जाने उनके ऊपर कमेंट करना। सही है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, बड़ा आसान हो गया कि बस एक कंप्यूटर के आगे बैठ जाना और अपने फोन से एक चीज टाइप कर देना, ओके, और उस पर इख्तलाफ कर देना। चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। सिंपल एग्जांपल होगी, अगर आप किसी की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन देख रहे हैं और किसी ने उसका स्निपेट निकाल लिया है तो आपने उसको कमेंट करना, भाई आप पूरा देखो तो सही, पूरा यानी पूरी बात सुनो, पूरा देखो फिर उसमें कमेंट करो। बट इट कैन रुइन पीपल्स लाइफ और लाइव्स आल्सो लाइक दैट, आई मीन इतना डेंजरस कभी-कभी हो जाता है यार। एब्सोल्युटली, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, कि आप किसी के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उनके माँ बाप या उनके खानदान या उनके घर वालों के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। बिल्कुल सही है। सो बी अ लिटिल दीपक, नॉट ओनली दैट, आई हैव आल्सो सीन बड़े अच्छे ऑथेंटिक जो न्यूज फ्लोट करते हैं वो भी गलत चीज को फ्लोट करते हैं, गलत न्यूज को या गलत एंगल को फ्लोट कर देते हैं। मतलब अगर आप इसको कहेंगे कि जी इसमें रेटिंग्स का कसूर है या लोगों को रेटिंग्स चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ लोगों के ऊपर नहीं आती, सबके ऊपर आती है। सबके ऊपर है, बिल्कुल सही। यार व्हेन यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय समवन, सोशल मीडिया मीन्स के इट्स ऑनलाइन फॉर एवर, ओके, इट डजंट गो अवे, नोबडी रिमूव्स इट। ठीक है, जब हमारे जमाने में तो कुछ था ही नहीं, नहीं था, तो मैगजीन से जो फटके, और अगर आ गई बात सामने तो वो गायब भी उसी तरह हो जाती है, अब तो वो इट स्टेज। राइट, हाँ, वेरी लाइक वैलिड पॉइंट है, ग्रेट। ठीक है जी, नादिया ये बताओ कि बुरहानुल हक ने एक मजाक किया और बच्चों का जो बेबी शार्क वाला गाना था उसके बारे में कुछ कहा, तो यू रिएक्टेड, तो क्या उसका जरा मुझे बताओ क्या है वो? मजाक तो नहीं था वो, बड़ी एक सीरियस तरीके से बात कही, पर वो बात बहुत ही वो एक गलत बात थी, क्योंकि उन्होंने आजकल की माओं पे जो हिट मारा वो मुझे बहुत बुरा लगा उसका। बट द थिंग इज, उन्होंने खुद जो है फिर वो बेबी शार्क के ऊपर ही एक पैरोडी टाइप गाना बनाया, व्हाई? अगर इतना प्रॉब्लम था बेबी शार्क से तो फिर आपने उसी ट्यून के ऊपर आपने बीवी शक करती है फिर आपने वो गाना बना दिया। तो मैंने कहा वेरी गुड अब्रार भाई, दैट्स द वे टू गो। ओके, बट यू फेल्ट देयर वाज समथिंग, आई थॉट कि इट वाज अ रैंडमली एक नॉर्मल सी जोक वाली बात की, कोई इसका मतलब नहीं था शायद, मुझे ऐसे लगा। बट यू थिंक कि इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स, लाइक उस तरह से क्या आप आजकल की माएं, तो वो आजकल की माओं पे हिट था ना,
लेकिन हम यूजुअली ये बात बट इट वाज अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस यू नो लाइक रिलीजन कि आप टेक्नोलॉजी को रिलीजन से बट दादी इसमें कहीं किसी हद तक सच्चाई भी है अच्छा ऐसे में बहुत बहस कर सकती हूँ इस चीज के बारे में आप अपने टेलीविजन के ऊपर कंटेंट बताएं कि जी आजकल के बच्चे क्या कंटेंट देखें ठीक है ना पहली चीज ये है जी बिल्कुल कुछ बनता ही नहीं उनके लिए आजकल की माए तो फिर मैं बहस बहुत कर सकती हूँ तुमने बहस करनी है आजकल की माए क्या दिखाई शी इज राइट आई एग्री तो मैं बहुत बहस कर सकती हूँ अगर तुमने करनी है तो फिर सीरियस तरीके से बहस करो उसके बारे में एंड आई हैव एवरी पॉइंट टू प्रूव के जी जो मैंने जिस वजह से वो एक बात कही थी कि आप आजकल की माओं पे हिट नहीं मार सकते हैं बिकॉज व्हाट आर टुडेज चिल्ड्रन वाचिंग माओं को भी काम करना जरूरी है यू हैव बिकम अ ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड तो बहस करनी तो बहस करो मेरे साथ आगे बात करूँ की ना करूँ नहीं बोलो ना अपनी पॉइंट हाँ प्लीज से बहुत पॉइंट है बट आई एग्री के पॉइंट बहुत आपका शो बोरिंग हो जाएगा नहीं नहीं लेकिन इस बात पे मेरे बच्चे को टेलीविजन पे देखने को कुछ है नहीं आपका लोकल कंटेंट अगर हम मुझे रिलीजन भी दिखाना है ना अपने बच्चे को बुक्स तो है ठीक है लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दें वो तो नहीं हो सकता टेक्नोलॉजी छोड़ दें और टेक्नोलॉजी के ऊपर आप बेबी शार्क जो है आप क्यों किसी माँ की तरबियत के ऊपर शक कर रहे हैं या उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बेबी शार्क सुना रही है कि वो उसको रिलीजन से दूर कर रही है आपका क्या हक बनता है मुझे बोलने के लिए व्हाट Right, do I have to tell your wife कि जी ऐसा तुम्हारी बीवी जो है वो अपने बच्चे को बेबी शार्क सुना रही है तो वो तो उसको रिलीजन से दूर कर रही है उसको तो कलमा सुनाना चाहिए बच्चा कलमा भी और माँ जो है वो आजकल की जो माए है पाकिस्तानी माए सब कुछ मैनेज करके चलती है और आजकल और ज्यादा मुश्किल हो गया भाई मैनेज करना बिकॉज आपके पास ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर आर फैमिली सिस्टम हैज काइंड ऑफ यू नो गॉटन अ लिटिल बिट अगर जॉइंट फैमिलीज में नहीं है स्पेशली शहरों में स्पेशली सिटीज में शहरों में ठीक है लोग अलग रहते हैं ओके हां लोग अलग रहते हैं बिल्कुल सही है बिकॉज़ नादिया बच्चे पाल भी रही है और मदर शी नोस बेटर आई मीन द मदर वुड नो बेटर पर अगर मुझे कोई कहेगा ना कि टेक्नोलॉजी तुम गलत दिख कर रही हो नहीं आई आल्सो थिंक कि हमारे यहां प्रीचिंग ज्यादा हो गई है ओके आप प्रीचिंग करना बंद कर दें हर किसी के हालात घर के अपने हिसाब से होते हैं किसी घर में खाने को नहीं है किसी घर में मेड नहीं है किसी घर में दोनों मियां बीवी काम करते हैं तो आप किसी औरत को इंडिविजुअली ऐसे उठा के नहीं कर सकते बिल्कुल सही है इंडिविजुअली नहीं ओवरऑल ठीक है अच्छा जी प्लीज खाइए साथ साथ एचएसवाई के साथ एक लाइव सेशन में जब एलएसए की बात हुई तो आपने एक जर्नलिस्ट के लिए कुछ कहा था we don't allow you to nominate us who are you to nominate us ye kiske liye kaha tha nahi usi wahi to baat hui thi jo abhi pehle hui thi acha ha bas wahi thi kya matlab jhagda hua tha jhagda nahi hua acha honestly mujhe is baat ka bilkul malum nahi basically hs bhai ne baat kahi thi choti si unhone ye kaha tha ki yaar ye these badly dressed people okay are going to decide whether our clothes are good enough or not to nominate us Oh, that's it. Okay. मैंने वो बात कही थी, which is true. Okay. So you mean कि no, but I'm just thinking कि जो जूरी होती है क्या वो बहुत देखभाल के नहीं हर जगह आई होती? Like किसी एक certain इदारे की choice है कि हमने इसको जूरी बनाया है, तो then don't you have to sort of respect that? Not really, because you see, you getting a job in a newspaper is very different from you critiquing fashion. Okay. Okay, it's an art. It's an art form. Let me explain something to you. Unless and until you've worn luxury, you wouldn't know the value of luxury. Okay? It's unless and until if you haven't bought a Chanel bag, you wouldn't know what a Chanel bag is. Simple as that. Okay? Point to be noted. Huh? Point to be noted. Point not ke. ठीक है जी, Nadia. एक वीडियो कुछ साल पहले पोस्ट की थी, उसको भी डिलीट कर दिया किसी ने. डिस्काउंट मांगा था, और आपने कहा कि जो इंटरनेट यूज कर रहा है ये स्मार्टफोन रख रहा है वो गरीब नहीं हो सकता. ये क्या था यार, ये क्या हुआ? क्योंकि यार ये कहां से आता है, मुझे क्यों नहीं मालूम ये बातों का. हाँ, क्या था ये? क्योंकि किसी लड़की ने, और बहुत कॉमन है ये, कि लड़की ने जो है वो मुझसे
इनबॉक्स में जो है वो मिन्नतें कर रही है कि जी मुझे जो है ना वो ये वाली पता नहीं कौन सी ट्रीटमेंट थी, इंजेक्शंस थे या पता नहीं क्या था, फ्रॉम आवर फील्ड समबडी फ्रॉम आवर फील्ड, अच्छा अच्छा अच्छा, नो नो सम रैंडम, मतलब यू नो कि जी मुझे जो है ना वो आप फ्री में दे दे, या फ्री में नहीं था भले डिस्काउंट था और समथिंग ना, तो वो यू नो बोले जा रही यू नो मैसेजेस मुझे किए जा रही है कि जी प्लीज मुझे डिस्काउंट दे दे, मुझे डिस्काउंट दे दे, मुझे इंजेक्शन भी लगवाना है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अफोर्ड की भी स्पेलिंग ए डबल एफ ओ टी था, यू नो थिंग्स लाइक दैट, मतलब कि यार आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते आपको पता ही नहीं है ये इंजेक्शन क्या है, आपको पता ही नहीं है कि जी ये उसका प्यारे लगने का दिल कर रहा होगा यार, क्या हो गया ना, तो भाई अब बिल्कुल हक है देखो नादिया के टीके बड़े महंगे होते हैं, तुम भी अफोर्ड नहीं कर सकते एहसन खान, याद रखना ये बात, ये नादिया हुसैन का टीका है, बिल्कुल हक है, हर एक का हक है, हर एक का हक है, मैं ये नहीं कहती कि जी हक नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से मुझसे मिन्नतें मांग के और लेकिन फिर आप कह रहे, आपके पास स्मार्टफोन भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, सारी चीजें आपके पास है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, अरे भाई ये तो इट्स दैट थिंग यू नो कि जी मुझे दीपक परवानी दुकान में जाके दीपक परवानी का ही ड्रेस चाहिए लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए है या 2,500 रुपए है, मैं ये 30,000 रुपए का नहीं ले सकती, अरे आप चली जाए ना, आई फीलिंग सॉरी फॉर दैट पर्सन, यार क्या है यार ना, कभी अच्छा कभी ऐसे करो जी साल में कोई 2-3 दिनों में कोई डिस्काउंट निकालना चाहिए, होती सेल और डिस्काउंट, ठीक है वो फिर लोगों को हेल्प, डू यू डू दैट फॉर पीपल हु वांट डिस्काउंट, हु वांट टू वेयर योर क्लोथ्स बट दे कांट अफोर्ड इट, अच्छा सेल, ठीक है, ओके लवली, ठीक है जी, दीपक सवाल ये है कि स्टुपिडिटी और टाइम वेस्टिंग देखकर मैं इनसेन हो जाता हूं, ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही थी, मैंने पोस्ट डाला है कल या परसों जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने किसी ने कहा है कि इनफैक्ट मेरे उस पे लगा हुआ है, मेरे स्टोरीज पे लगा हुआ है कि पीपल स्टुपिडिटी शॉक्स मी, दैट्स व्हाई स्टॉप टॉकिंग, ओके मैं काफी मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट आदमी हूँ और मुझे ज़्यादातर स्टुपिडिटी वैसे ही पसंद नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट पसंद नहीं है, आई एम अ वेरी प्रोडक्टिव पर्सन, प्रोडक्टिव 12 घंटे मैं काम करता हूँ, 10 घंटे मैं काम करता हूँ, आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग, अगर मैं अपने कपड़े नहीं बना रहा होता तो मैं चैरिटी सपोर्ट कर रहा होता, तो फजूलियात का वक्त नहीं है ना, फजूलियात का वक्त नहीं है, थैंक यू, ये बात सही है, और नहीं होता भी अपनी चॉइस से नहीं करना फजूल में ऐसे खामखा, ठीक है जी, नादिया हुसैन आखिरी सवाल वहीं पे आ गया, मेकअप ट्यूटोरियल लाइव करते हुए कोई आपको कुछ कह दे तो बाकायदा सख्त अल्फाज में उसी की गाली उसको वापस देती हो तो आप तो स्टार हो, वो तो स्टार नहीं है, हाँ जी इसका जवाब दे दो, क्या है क्या, मेरी बात मैं कहूँ कुछ स्टार इंसान नहीं होता, हाँ लेकिन in fact, स्टार के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि आप यही तो मैं कह रहा हूँ, यू आर समबडी, लोग आपको जानते हैं, आपके घर आ सकते हैं, आपके आपकी दुकान तोड़ सकते हैं, आपका ये कर, बहुत कुछ चीजें आपके साथ कर सकते हैं, आपको कौन जानता है, वो कोई भी नहीं जानता, तो थोड़ा तो लिहाज कर लो भाई किसी का, देखो मैं एक चीज बोलूंगी, हम लोग टेबल पे बैठे हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे मुहज्जब लोग होते हैं वो उनको टेबल मैनर्स होते हैं, टेबल एटिकेट्स होते हैं, ठीक है, कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं, आप तमीज से आप एक तरीके से जो है वो खाना खाते हैं, ठीक है ना, यू कांट से कि जी जंगली गवार की तरह आप टेबल पे खाना, हर चीज का एक तरीका, यू मीन हर चीज का एक तरीका है, बिल्कुल, सो देयर आर सोशल मीडिया एटिकेट्स, जिनको एटिकेट नहीं पता ना, मैं उनको उसी तरीके से ट्रीट करूंगी, यानी तमीज के दायरे में तो सोशल मीडिया के भी आपको तमीज एक आम आदमी को भी और एक एक्टर को भी दिखानी ही चाहिए, अगर आप मुझसे बदतमीज होंगे ना मैं आपसे बदतमीज होंगी ना, सिंपल एज दैट, तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगी, एक छोटी सी बात, ये नादिया टीका लगा दूंगी, टीका थप्पड़ में 2 थप्पड़, ये छोटी सी बात देखी ना मेरी, ऐसे नादिया ये जूती देखी ना मेरी, ये बस इसमें बड़ी छोटी सी बात, ऑडियंस को जूती दिखा रही है, आप अगर किसी नादिया से पंगा लिया ना तो ऐसी की तैसी फेर देंगे, टीका लगा दो, हां यही ये टीके से भी बुरा जूता है ये, इसकी जो हील है, यू आर एन एक्टर, हां आज आप अवार्ड शोज में जाते हैं, आदि चीजों पे आप जाते हो, हजारों लोग आते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, कभी इंसान खिंचवा सकता है, कभी किसी नहीं खिंचवा सकता, कभी इंसान किसी को कह जाता है कि यार मैं जा रहा हूँ अब मैं आपसे नहीं, तो उस पर तो कोई बदतमीजी कर दे, तो इंसान को ये बात भी समझनी चाहिए, बिल्कुल आई एग्री, सराउंडेड बाय नोबडी हैज अ राइट टू डू दैट टू यू ऑन सोशल मीडिया, देयर आर एटिकेट्स, और अनफॉर्चूनेटली हमारे यहाँ
और ये एक नोन फैक्ट है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ये होता है यार। नहीं नहीं भाई, नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है और फोन्स लोगों के हाथ में आ गए, उनको पता नहीं है उसका यूसेज क्या है। सोशल मीडिया पे सब लोग आ गए, किसी को कुछ भी लिख दो, जो उनकी अपनी दिल की भड़ास नेगेटिविटी, वो सोचते नहीं है यार कि ये आप एक तमीज के दायरे में रहे। बिल्कुल सही है, आई एग्री, सबको तमीज सीखनी चाहिए। अच्छा जनाब, ब्रेक लेंगे, अगली जो गेम है वो खेलेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए Time Out with Ehsan Khan. जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारा सेगमेंट है छुट्टी बंद। दीपक और नादिया हमारे साथ मौजूद हैं और आप जानते हैं आपसे जनरल नॉलेज के सवाल किए जाएंगे। इस सेगमेंट का मकसद यह है कि बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं मालूम, बहुत सी चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी या हमने कभी पढ़ी होंगी और हमें भूल गई होंगी, लेकिन वो एक रिविजन हो जाती है और लोगों तक भी बहुत सी नई नई बातें पहुँचती हैं। सो सवाल होंगे, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे फिर एक नंबर चूज करेंगे, उस नंबर में जो लिखा होगा वो इस बॉक्स में होगा और जो निकलेगा वो आपको पहनना होगा। ठीक है, राइट, रेडी। पहला सवाल, पहले जवाब देना, जो बाद में भी गलत जवाब देगा उसको भी नहीं मानेंगे हम। पहला सवाल ये है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड बाय जापान, चाइना या इंडिया? चाइना। यू सेड चाइना एंड यू से इंडिया। यू से इंडिया, सही जवाब है चाइना। रियली? नादिया नंबर चूज करो अपने लिए। हाँ ऑफ कोर्स, गलत जवाब दिए नहीं, और दीपक के लिए गलत जवाब किसे दिए? अच्छा, नंबर थ्री। नंबर थ्री, वायर, वेरी नाइस। Wings, wings. How lovely. नहीं, ये नादिया के तो नहीं belong करते। ये क्यों नहीं करते? करते हैं, यूं पहनाएंगे। ठीक है। वाह 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 यार, फॉरन से ना एक मॉडल है ना, उसको फॉरन से उसको पहनना भी है, उसने अपने कपड़े पकड़े हैं। यू, आई फील लाइक विक्टोरिया एंजल लग रही है। एंजल? नो नो, आई फील लाइक विक्टोरिया सीक्रेट एंजल। ओह या, ये नीचे क्यों? या ये नीचे ऊपर दोनों हो जाते हैं, उसकी मर्जी, विंग्स की मर्जी है। और विक्टोरिया सीक्रेट में साली विंग ही होते हैं, बाकी बाकी कुछ नहीं होता। He's right. Okay जी, अगला सवाल ये है, which of the following is used in pencils? Silicon, phosphorus या graphite? Graphite. You said pencils are lead. Okay, lead. Let's see. Graphite also. Who said it first? I did. She said it. What's the right answer? Graphite. Yeah, but lead. Yeah, of pencils course, Deepak, lead. Of course. चलो कोई बात। Number choose करो भाई। Nine. नादिया को पहना देंगे। Oh, I like it. दे दो। I like it. Nice, I like it. यार नाक से पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। क्या बात, बालों से ही बदलती है देखना। मैं लगवाने जा रहा हूँ आज के, मैं भी रियली सोच रहा हूँ नाक लगवाने जा रहे हो कि बाल लगवाने? बाल लगवाने जा रहा हूँ, नाक काफी लंबा है मेरा। ओके जी, अगला सवाल, What animal has the worst memory? Which animal has the worst memory? Is it dog? Is it rat? Yeah, is it elephant? Elephant. Okay, Nadia said oh, elephant. Oh, no. Rat. Rat. Decide. Elephant. Okay, you said elephant, rat. You said rat. No, in fact, elephant has the best memory. No. I don't know. No. Well, let's see. Has the worst memory. Oh yes. My God. Dikhaiye. Normally supposed to be a fish. Sahi jawab hai. Elephant! Really? Has the worst memory.
But I, हम लोग examples देते हैं ना कि like an elephant's memory या किस चीज़ का? नहीं बिल्कुल नहीं है. Actually, और even something. You know, after a few minutes, they usually ये एक मुझे लगता है natural सी चीज़ है कि भूल जाते हैं. हाँ, जानवरों सब जानवरों में ये है, बहुत जल्दी भूलते हैं. Emotion तभी थोड़ा. नहीं, I thought it was a fish. इसलिए fish को bowl में डालते हैं, वो घूमती रहती है. But वो इसमें fish का option नहीं था, तीनों में से elephant था यार. अच्छा नादिया तो choose नहीं करेगी, दीपक choose करेगा. Number two. Number दो को choose करने का खास वजह. Mood हो रहा था. Pirate hat. Oh, nice. Nice. That's very cool. Very cool. Very cool. Very cool. There. You look at. Huh? Sideways, karo sideways. You cool, gotta admit, cool. Huh? Okay, ji. Agla sawal ye hai. Which of the following has no skeleton at all? Starfish, jellyfish, ya sponge? Sponge. हम दोनों ने एक वक्त में बोला है स्पंज. सही जवाब है जेलीफिश. Has no skeleton at all. Yes. Jellyfish does not have jellyfish. Yeah. So why did you say sponge? Because you said he said jellyfish again. No. Okay, he said. No, Nadia, I won this one, yaar. It's a free now. Dost ko number koi. Panaas ho koi. Haathi shaathi sar pe. Haathi. Main choose karungi number 7. Number 7. Kya hai? Nadia ki cheeze dekho jo nikal rahi hain. Devil? Oh, nice. Wow, devil and the angel. Nice. La. मैं हुई. वाह यार, look at her, look at her, she looks so cool. बिल्कुल. पर टीके लगवा लो नादिया के टीके. नादिया जितनी दीपक ने पब्लिसिटी कर दी ना नादिया के टीकों के, मुझे लगता है अभी ये नया कुछ निकल आएगा नादिया के, कहीं नादिया के टिक्के ना निकल आए ना किसी बाजार. वो एक ही स्पेल होता है ना, टी आई के के ए, टिक्का. राइट. ओके जी, अगला सवाल. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस. हेलसिंकी, कोनाक्री या पैराग्वे? आई थिंक इट्स कोनाक्री. इट्स हेलसिंकी. ओके ओके, आई डिडंट नो अबाउट दैट. Okay. Prague is Czech Republic. Yeah, of course. Has to be Helsinki. Yeah. No, could be Konakri, by the way. Konakri. I didn't even know this, honestly. I said Konakri. So you said Helsinki and Finland. You say? Konakri. Okay, the right answer is... Okay. Come on. Nadia, number choose. One. Number one. ये तो नादिया के लिए बहुत जरूरी थे. बहुत जरूरी. ये नादिया के लिए बहुत जरूरी थे नादिया. अच्छा, दोनों हाथों में. हाय हाय. Totally appropriate. Nice, 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 nice. Okay, ji. Next question. The national game of Japan is, carefully suniga, tennis, karate, or sumo wrestling? Very easy. Sumo wrestling. I guess sumo wrestling. You're late. She said first. Was it right answer? Yes. Sumo wrestling. But it's sumo wrestling, yaar. Der se bola, bahut soch ke bola. Number choose kijiye. 4. लाल दुपट्टा. नाउ वेयर वेयरिंग स्कार्फ. नाइस. चलो ये तो मुझे हम खुश हुआ. मजार से लेके आए हो क्या यार? पूरा एक पायरेट लग रहा है ये. हरा ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी. ओवल स्टेडियम इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद पोलो, क्रिकेट, क्रिकेट या हॉकी?
Okay, you said cricket. It's the oval, dude. It's the oval. Yeah, cricket. The right answer. Deepak ne pehle bola hai. Cricket! Choose kijiye. 10. Number 10. यार नादिये की चीजें बड़ी कूल निकल रही हैं। यार नादिये की चीजें अच्छी होती हैं। यार कूल निकलती जा। नाइस। ना ना ने। कैसे बैठूं? लुक बेस्ट पे। ये बात। यार पूरा लुक बन गया नादिये का। बाकायदा एक लुक क्रिएट हो गया। फैशन स्टेटमेंट। फैशन स्टेटमेंट। ये भी तो रेड कार्पेट का लुक हो सकता है नादिया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ओके, ओके। अच्छा जी, अगला सवाल। गौर से देखिएगा। The computer size was very large in first generation, third generation या fourth generation? First generation. Obviously. Computer size या? Yeah. First, Allah. सही जवाब है। अच्छा बता तुम जहाँ खड़े हुए हो ना मुझे सवाल का जवाब नहीं यार रुक जाओ मैं इधर जा रहा हूँ ये इसीलिए इसको हटा रहा था ठीक है ओके तुम हार रही हो इसका ये मतलब है तुम्हें रियली यही बात है लेकिन कूल से कूल तर होती जा रही है देखो शी लुकिंग सो गुड उसको कौन सा नंबर तुम चूज कर रही हो अब मैं चूज करूंगी 5 नंबर 5 सहरा ओह नाइस वन अल्लाह सारी ये इसको ऊपर करो ना बस पकड़ ले यार जी में पड़ रहा रहा You look great. मेरी शक्ल तो नजर आए ना भाई ओके जी अब सवाल नजर आ जाए शक्ल नजर आए ना देखो भाई अगला सवाल देखो Which of the following has got more heat capacity? Iron piece, water, iron piece, या gold piece? Iron piece. Oh, Allah. Which of the following has more heat capacity? Are you sure? Yes. Okay. Iron. You said iron. You said? I'll say gold. Heat capacity नहीं होता. Right. Water. Is that your final answer? Water. Okay. Water is your final answer. Iron is Nadia's final. Water. Oh. Water. Nadia, number choose करो. You got all the nicest things, all the goldy stuff, and I got this pirate number. Look at me right now. Eight. अब इसके अंदर क्या क्या पहने बेचारी अल्लाह अब पीछे बना दो क्या क्या पहने लुक्स ग्रेट नो नॉट एनीमोर लुक्स गुड डू इट विद वन हैंड लाइक दैट लाइक वन हैंड वन हैंड या लाइक दैट ओके जी आखिरी सवाल ये है द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम infrared rays या radio waves या ultraviolet radiation ultraviolet पहले किसने बोला है पहले किसने बोला है मैंने बोला है मैंने बोला है मैंने बोला ultraviolet radiation मैंने बोला है फैसला करो पहले किसने बोला है कैमरा मैंने ultraviolet ऐसे करके बोला था तुमने कोई ultraviolet नहीं कहा था ultraviolet आ गया था किससे पहले बोला मैंने बोला था यार फैसला करो किससे पहले बोला है मैंने बोला था सही जवाब क्या है सही जवाब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सही जवाब है हाँ तो मैंने बोला था नहीं नादिया नहीं नहीं मैंने बोला था चलो बच्चे यार लेडीज फर्स्ट कर दो दे दो यार नहीं मैंने बोला था हाँ कोई ऐसी खौफनाक चीज नहीं रह गई देख लेते हैं जिसको पहननी है दे दो जिसको पहननी है क्या मतलब टर्बन हाँ टर्बन अब टर्बन ये तो दीपक बहुत बनाता भी है और पहनता यार वो नॉर्मल सी बात है Very nice, well played, guys. हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. आप देखते रहिए. Time out with Ehsan Khan.
जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। नादिया और दीपक के साथ वक्त कैसे गुजरा इसका मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं कि हम अपने आखिरी सेगमेंट में बैठे हुए यार। आई हैड सो मच फन विद यू गाइस। आई मीन दीपक के साथ बहुत ज्यादा मुलाकात रहती है कहीं ना कहीं शो पे, लेकिन बहुत शॉर्ट मुलाकात भी, आई थिंक ये हमारी लॉन्गेस्ट मुलाकात होगी। That's true, इतने सालों में, ना? बिल्कुल। और नादिया तो हमें मिलती रहती है। नादिया आजकल वैम्प का कैरेक्टर कर रही है एक ड्रामे में, वैम्प है या नहीं? नेगेटिव नेगेटिव सॉर्ट है जिसमें दो लड़कियां दूसरी घर की आ गई हुई है और अपने खावन पे फुल रोप जमा रही होती है कि निकालो इनको और ये क्या करने आ गई है। मजा आता है इस तरह कैरेक्टर्स करने में? नहीं नहीं आता। नहीं करते तो नॉर्मल लाइफ में रोज हमारी होती मियां के ऊपर, तो इसकी तो बड़ा नॉर्मल है ये कैरेक्टर प्ले करना। नहीं नहीं, मियां के ऊपर कौन सा रोब जमाती हूं? थोड़ा सा तो होगा रोब। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स यार। ओके कूल, रोब जमाने की जरूरत नहीं है। सही बात है। अच्छा गाना दोनों में से दोनों ही, नादिया का हमने गाना नहीं कभी, यू आल्सो सिंग? मैं तो बाथरूम में गाता हूं। आज यहां पे गा दें यार थोड़ा सा, क्या सुनाना है? क्या गा रहे नादिया, क्या गाना है तुमने? हम इकट्ठे गा रहे हैं? नहीं अलग अलग गा रहे हैं। अलग अलग यू सिंग एंड देन नादिया विल सिंग। साथ तो दिल दिल पाकिस्तानी गाना पड़ेगा या ठीक है। ओके कोई गाना अलग गाना कौन सा गा सकते हैं? सानू नहर वाले जैसा गा लेना यार भाई। एक ही उसकी लाइन आती है, दूसरी लाइन नहीं आती। नादिया से मोरे सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी मैं यार यार he's amazing. You know a lot of people who can sing or not sing, वो पहले नहीं हम नहीं गाएंगे यार, लेकिन he's singing यार, of course you have to appreciate this यार, of course very good. अब नादिया boom boom हाँ बस we know done, Deepak, are you done singing? We know really. What Deepak can't do. यार पहली बार तो माइक आया हाथ में, इंसान को शौक तो होगा ना अपनी आवाज सुनने का। ओके नादिया की बारी। मेरी बारी तो फिर मैं वो गाने गा देती ना जो वो सर की है। हाँ, आप गाएं, आप मुझे गलवाने की कोशिश कर रही थी। सर की ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में मुझे ढूंढा है, सर की ये पहाड़ दीपक अपने फैंस को या जो लोग फॉलो करते हैं या जो आप देखते हो कि आजकल जो भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, कुछ कहना चाहते हो लोग जिससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें? यू वांट टू गिव अ मैसेज? आई थिंक आई वुड ओनली से यार क्या कहते हैं, खुश रहो और जियो और जीने दो, बस यही काफी है इस मुल्क में। राइट वंडरफुल। नादिया हुसैन क्या कहना चाहोगे? इतना कुछ है नादिया के पास कहने के लिए, क्या कहोगी नादिया? मैं कहूंगी कि आई थिंक यू नो कि हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर बड़ा मुश्किल है। आई थिंक कि हम लोग एक बहुत अजीब से क्रॉस रोड्स पे हैं, तो पॉजिटिव रहना सीखें और नेगेटिविटी जो है वो अगर आप सोचते भी हैं ना तो प्लीज उसको आप उसी वक्त जो है ना उसको ख़त्म कर दे, आप आगे उसको ना ट्रांसफ़र करें, बिकॉज ये नेगेटिविटी जो है वो आप जितना ट्रांसफ़र करते हैं वो आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ती रहती है, तो यू नो देन पीपल रियली आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर कंपनी, तो स्टे पॉजिटिव। जबरदस्त जी, आइए आइए। थैंक यू दीपक, थैंक यू नादिया, एंड विश यू ऑल द लक नादिया विद ऑल द न्यू वेंचर्स दैट यू कमिंग अप विद। एक तो यार शी सो टॉल, किस साथ खड़े होते हैं बंदा दो बार सोचता है कि यार मतलब कहा, बट गुड लक नादिया, इट्स रियली वंडरफुल हैविंग यू। एंड दीपक व्हाट्स न्यू दैट जिसका हम वेट करें कि दीपक अब ये करने लगा है? कुछ इंतजार करें अभी, क्या कहते हैं, पर्दा फटेगा और मैं एक नए बालों के साथ एक एक्टर स्टार की तरह बाहर निकलूंगा। एक्टिंग दोबारा से एक्टिंग करने का इरादा है? सोच रहा हूं आजकल यार। क्यों, एक्टिंग से क्या मतलब, यू एंजॉय एक्टिंग? इट्स थेरेप्यूटिक फॉर मी। ओह लवली, इट्स थेरेप्यूटिक फॉर एवरीबॉडी आई गेस। And it's, no, Nadia was like,
मुझे कोई डायरेक्टर ऑर्डर करता है, that's really nice to sit there, चाय पियो और मेकअप करवाओ शुरू हो जाओ. बिल्कुल सही, जबरदस्त. गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू. आप लोग जनाब मुझे शो का फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगले हफ्ते आपकी मुलाकात करवाएंगे दो जबरदस्त सेलिब्रिटी से इंशाल्लाह. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टाइम आउट विद एज़म खान.